ये घटना है सन 1965 की। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था। 13 नवंबर को भारतीय सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी नक्शे एवं पोस्ट से प्राप्त निर्देशों एवं वायरलेस संपर्क के सहारे जम्मू कश्मीर की घाटियों की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में पीछे वापस लौटना भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि भारतीय चौकी अभी 15 मील दूर थी। डर ये भी था कि कहीं पाकिस्तानी सैनिकों से मुठभेड़ ना हो जाए। बर्फबारी के कारण मार्ग अवरुद्ध था और स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे रहा था। सभी सैनिक गहरी चिंता में डूबे हुए थे, परेशान थे। क्या किया जाए? आगे बढ़ा जाए, पीछे वापस लौटा जाए? क्या करें, क्या ना करें? इतने में पेड़ों के झुरमुट से किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। सैनिकों ने देखा कि सामने एक भारतीय लेफ्टिनेंट खड़े हैं। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, इस रास्ते के बारे में आप कुछ नहीं जानते, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, चलो मेरे पीछे आओ। सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट की पीठ पर कमीज में जलने का गोल निशान है। उन्होंने पूछा, सर ये क्या हुआ है? उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी गोलाबारी में पीठ का यह हिस्सा जल गया था। उन्होंने बात का रुख मोड़ते हुए कहना शुरू किया, जानते हो कभी कभी मृत आत्माएं भी आपातकालीन परिस्थितियों में अपने स्नेह पात्रों का सहयोग करती हैं, तुम लोग मानते हो? इस विषय पर बात चलती रही तब तक सामने चौकी आ गई। लेफ्टिनेंट ने चौकी की ओर इशारा किया और बोले, लो चौकी आ गई है, अब तुम सब लोग चले जाओ। सर आप नहीं आ रहे? नहीं नहीं तुम लोग जाओ। 10-15 गज चलने के बाद सैनिकों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेफ्टिनेंट का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। 1 मिनट से भी कम समय लगा होगा, इतने कम समय में कहीं दूर जाने की संभावना भी नहीं थी। कुछ सैनिकों ने पता लगाने की कोशिश की पर उनका कहीं कुछ भी अता पता नहीं लगा। वो लोग हैरान थे, सर कहाँ जा सकते हैं? इतने कम समय में कोई ऐसे गायब कैसे हो सकता है? चौकी पर पहुंचने के उपरांत जब कमांडर को पूरा विवरण सुनाया तो जो सैनिकों को सुनने को मिला वो ये था कि कल ही दुश्मन की बमबारी के कारण पीठ पर गोला लगने से उक्त लेफ्टिनेंट की मृत्यु हो गई थी और उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। सारे सैनिक हैरान थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे रास्ते वो हमारे साथ थे, एक एक बात बताते आ रहे थे, कहाँ खतरा हो सकता है, चौकी तक हमें कैसे आना है, हमें विश्वास नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? अवश्य ही उस सहृदय लेफ्टिनेंट ने अशरीरी स्वरूप में उस सैनिक टुकड़ी का मार्गदर्शन किया और उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इतिहास ऐसे अनेकों विलक्षण उदाहरणों से भरा हुआ है। मरण और पुनर्जन्म के बीच की अदृश्य सूक्ष्म कड़ी अपने में कितनी ही रहस्यमयी विलक्षणताओं को समाहित किए हुए है। जीवन काल में जिनसे सघन आत्मीयता जुड़ी रहती है, मरणोपरांत भी इन प्रियजनों का सहयोग अशरीरी आत्माएं करती देखी गई हैं। कभी कभी ये दिवंगत आत्माएं जनहित एवं राष्ट्रहित के कार्यों में अनायास ही अपने अस्तित्व का परिचय देती हैं और लोगों का मार्गदर्शन भी करती हैं। जय हिंद।